बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां इटावा सैफई के एसएस मेमोरियल में कार्यकर्ताओं के संबोधन के बाद शिवपाल सिंह यादव और अंकुर यादव समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए क्षेत्र में जिम्मेदारियां सौंपते हुए दिखाई दिए। उन्होंने डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने के साथ साथ सजग रहने की भी बात कही। मीडिया में बात करते हुए अंकुर यादव ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। मार्गदर्शन के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव उपस्थित रहे। उन्होंने मार्गदर्शन दिया आने वाले 5 दिसंबर के मतदान के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कैसे वोटिंग होनी है, उसके लिए मार्गदर्शन दिया। जनता की मांग थी कि परिवार में परिवार एक हो। नेताजी भी हमेशा कहते थे जनता सर्वोपरि है। जिम्मेदारी इससे बड़ी क्या हो सकती कि आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी लोकसभा से जिताने का जो दायित्व, जो जिम्मेदारी दी गई है हम सभी को, इससे बड़ी जिम्मेदारी मैं आज के समय में नहीं समझता। और आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें मैं समझता हूँ हम लोगों को अभी चर्चा नहीं। अभी हम लोगों का लक्ष्य ये मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव है और उसी को देखना चाहिए।